हेलो फ्रेंड्स, मैं छाया सुरतला इंडियन होम फूड रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे चीज ब्रेड रोल। तो चलिए हम बनाते हैं चीज ब्रेड रोल। चीज ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड स्लाइस 6, चीज स्लाइस 6 और साथ में पेरी पेरी मसाला लिया है और 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और चुटकी भर नमक और साथ में ब्रेड क्रम्स लिया है और साथ में तलने के लिए तेल लिया है। चीज ब्रेड रोल बनाने के लिए हम पहले ब्रेड की चारों कॉर्नर कट करके लेंगे और ये कट किए हुए ब्रेड की कॉर्नर से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स हमने घर में बनाए हैं। जो ब्रेड क्रम्स के कॉर्नर हमने कट करके लिए थे वही ब्रेड के कॉर्नर हमने ओवन में 5 मिनट गर्म करके ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीस के लिए है। इस तरह हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार है। सारे ब्रेड की स्लाइस की कॉर्नर को हम इस तरह कट करके लेंगे। पहले हम बैटर तैयार करके लेंगे। एक बाउल में कॉर्नफ्लोर लेंगे और मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा नमक डालेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी डाल के बैटर तैयार करेंगे। बैटर को हमने इस तरह तैयार करके लिया है। ब्रेड की स्लाइस को हम इस तरह बेल के लेंगे। बेली हुई ब्रेड की स्लाइस के ऊपर हम चीज स्लाइस रखेंगे और ऊपर से बीच में पेरी पेरी मसाला डालेंगे और उसे इस तरह रोल करेंगे। साइड से कॉर्नर पे पानी लगाएंगे, इसे इस तरह चिपका लेंगे। ये रोल को हम बैटर में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। इस तरह सारे रोल हम तैयार करेंगे। सारे रोल हमारे तैयार है। इसे 10 मिनट फ्रीज में सेट होने देंगे और बाद में डीप फ्राई करेंगे। हमने डीप फ्राई करने के लिए तेल गरम करने रखा था। तेल हमारा अच्छी तरह गरम हो चुका है, उसमें हम ये रोल छोड़ेंगे। इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक होने देंगे। रोल हमारे फ्राई करके तैयार है। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। सारे रोल हम इस तरह फ्राई करके लेंगे। सारे चीज ब्रेड रोल फ्राई करके तैयार है। इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। चीज ब्रेड रोल हमारा खाने के लिए तैयार है। इसे हम सेजवान चटनी और टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।